पीछे आ जाए। साथ में ये भी बता चलूँ, ये वीडियो जो है मेरी लास्ट ईयर की वीडियो है और मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया था, तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो को अपलोड किया जाए, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो डॉक्टर माजिद भी हमारे साथ हैं, ये पीछे बैठे हुए हैं, आज इनका मसला हल करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम विद माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि इस ब्लॉग को आप एंड तक देखें। आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है। जिन लोगों को मालूम नहीं है यूएई में कैसे आप गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, और जिनसे मैंने गाड़ी परचेस की है और उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ गई है और वो गाड़ी दूसरी क्यों नहीं ले पा रहे, तो उसके बारे में मैं ये कि आपको इजी इजी हो जाएगा कि जो लोग देख रहे हैं फ्यूचर में भी, जिनको गाड़ी अगर ख़रीदनी है और जिन्होंने गाड़ी ख़रीदी और बेचनी है किस तरीके से यूएई में, तो उसके लिए इजी हो जाएगा कि ये वीडियो देख के। क्योंकि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ में मैं अगर ये वीडियो भी बनी हुई है तो उसमें आपको थोड़ा एंटरटेन भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने गाड़ी ख़रीदी और किस तरीके से गाड़ी उनके नाम पे, अपने फ्रेंड के नाम पे मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ब्लॉग की अपलोड किया जाए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अब ये वीडियो स्टार्ट होती है और आखिर तक आप इस वीडियो को देखें। बस तो ये है कि अब जैसे मैं बात करता हूँ, डॉक्टर माजिद मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कॉल भी कर लिए, बस उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो आज जो है मैंने इनका ये मसला हल करना है, क्योंकि अब तो मुझे गाड़ी भी लेनी है उनसे, और जब तक उनका मसला हल नहीं होगा तो ये गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो चलें उनको पिक करते हैं उनके घर से। कौन सलाम वालेकुम। आए रहे? जी जी मैं आ गया हूँ, आप आ जाएँ। मैं आ रहा हूँ। आ जाएँ। पीछे आ जाए। डॉक्टर माजिद आ चुके हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। इस टाइम हम लोग रास्ते में हैं, मोटर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे शोरूम है। तो अबू धाबी के जितने भी शोरूम्स हैं, एक मोटर वर्ल्ड के नाम से एरिया है अबू धाबी हाईवे पे, दुबई एंड अबू धाबी हाईवे पे, ये इन्होंने सारे शोरूम्स अबू धाबी के वहाँ मूव हो चुके हैं। तो हम अभी शोरूम की तरफ ही जा रहे हैं। अभी हम लोग कार वर्ल्ड के बहुत करीब हैं, तो डॉक्टर माजिद भी हमारे साथ हैं, ये पीछे बैठे हुए हैं, आज इनका मसला हल करना है हमने। प्रॉब्लम इनके साथ हो गई है जिस वजह से आज वो हमने सॉल्व करनी है। जो कार ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस है कि उसके लिए आपका वीज़ा स्टैम्प होना ज़रूरी है और एमिरेट्स आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपकी एमिरेट्स आईडी यहाँ पे वैलिड है, देन यू कैन ट्रांसफ़र, आप कोई भी गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेरी इजीली। तो बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर माजिद ने अभी एक हॉस्पिटल चेंज किया है और उनकी एमिरेट्स आईडी अभी तक बनकर नहीं आई है, प्रोसेस में है। वो प्रोसेस में है, जिस वजह से हमें बड़ी दिक्कत पेश आ रही है इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनसे इनकी जो पजीरो है वो परचेस कर ली है, जब मैंने आपको बताया हम जब निकल रहे थे तो शोर इनको पिक करने के लिए, वो हमने इनसे परचेस कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको भी हमें एक गाड़ी अरेंज करके देनी है, तो ऑलरेडी इन्होंने भी एक गाड़ी की बुकिंग दे दी है, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए, बट नाउ वी आर वेटिंग फॉर एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी के आने के बाद ही इनके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। आपने कॉल कर लिया नेम को ना? हाँ जी मैंने कॉल की है इनको, बस वो ही विल कम मे बी आफ्टर 5 मिनट। अच्छा, टॉप गियर था और दिस इज कार वर्ल्ड एंड वी दिस लेफ्ट साइड इज टॉप गियर। हां लेफ्ट साइड अप्रोच गियर, दैट्स गुड। एक ये सिटी है कार वर्ल्ड के नाम से अबू धाबी में, और ये दुबई हाईवे पे आती है। अच्छा, कितने अच्छे तरीके से रखी है उन्होंने, अब एक तरीके से सारी कार्स को रखा हुआ है, जो चाहे ले चले जाए, कोई नहीं है। Now we park our car. Yeah.
अपनी गाड़ी पार्क करके अब शोरूम की तरफ जा रहे हैं। बस ये डॉक्टर साहब आज इसको फाइनल करने बिल्कुल करना 24 से पहले देना। हाँ ना, आपका वो क्या कहते हैं मोटर टेस्टिंग होती है क्या? हाँ वो टेस्टिंग वो फेल हो वो जाएगी, फेल हो जाएगी तो वो ऐसे जाहिर हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह इसको आज कर लेते हैं, ये आ जाते हैं, इनका इंतज़ार करते हैं। तो अब वो आपने वो आपका काम है वो उसने नाम ट्रांसफ़र करा के फिर ये आज ही मसला हल हो जाएगा। पेमेंट भी आप ही करें फिर मैं वो हो जाएगी जो भी वो कर लेते हैं उसका। हाउ अबाउट 2090 वो आगे आपका बनता है जी? वो आ गए हैं तो उनको बुला लें फिर। जी गाइस, तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि शोरूम पे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 4 बजे आ गए थे और शोरूम बंद था उस टाइम पे, तो शोरूम के ऑनर यहाँ पे नहीं थे, तो उन्होंने अपने काम वाले जो सुपरवाइज़र या जो इन्होंने रखे होते हैं यहाँ पे उनको भेज दिया था। हमने उनको कॉल कर दी थी तो वो ये इसी बात पे बजित थे कि आप अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं, बिकॉज़ ऑलमोस्ट आप लोगों ने 3 वीक्स 2 वीक्स हो चुके हैं, आप लोगों ने बुकिंग अमाउंट दी है बट गाड़ी नाम ट्रांसफ़र नहीं करा रहे। तो बस मैं डॉक्टर साहब को यही एडवाइस दे रहा था, क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ थीं तो मैं अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करा सकता था। और इनको मैंने फिर यही एडवाइस दी क्योंकि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो मेरे पास एक एम्प्लॉई मेरा काम करता है, मैंने कहा उसके नाम आप गाड़ी ट्रांसफ़र करा दें और जैसे ही आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है देन हम आपको दोबारा अगेन आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो उसी पर हम डिस्कशन कर रहे थे और गाड़ी चेक करने जा रहे हैं। गाइस फाइनली मैंने डॉक्टर माजिद को गाड़ी दिला दी है और सीन कुछ ऐसा था कि बिहाइंड द स्टोरी पूरी जो मैंने आपको देना था इन्फॉर्मेशन भी बताई कुछ, और अब मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। पहले मैं एक स्टोरी आपको छोटी सी बता दूं, आखिर तक वीडियो देखें। सीन ऐसा था कि डॉक्टर माजिद के पास गाड़ी थी और काफ़ी टाइम से मैं उनके ये पीछे था कि जब भी आपने गाड़ी सेल करें तो आप मुझे बताएं तो मैं ये गाड़ी परचेस करूंगा, और उनका ऑलरेडी मॉर्गेजेस क्लियर हो गया था, लोन उन्होंने जो लिया था गाड़ी पे। तो उनकी जॉब चेंज करनी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी सेल आउट कर देता हूँ। मैंने उनसे गाड़ी पेमेंट करके और उनसे वो क्लियर कर ली। द सेम वाइल उन्होंने कहा यार मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तुम मुझे कोई अपनी गाड़ी दे दो या तो मैं अब गाड़ी ले लेता हूँ। वो हमने उनको शोरूम जाके मेरे एक फ्रेंड के पास जाके वहाँ पे हमने उनको गाड़ी पसंद की, बुकिंग अमाउंट दी। दी मेन वाइल उनका ऐसा हुआ कि एमरेट शायरी नहीं बनकर आया और उनके कुछ इख्तलाफात हो गए हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा मैं जॉब चेंज करता हूँ बट मुझे इन इन 2-3 3 मंथ्स लगेंगे तो मुझे गाड़ी की भी ज़रूरत है। तो मैंने उनको यही बताया कि यार अब ऐसा करें कि मेरे नाम पे पहले 1-2 गाड़ियाँ थी तो उनको मैंने, मेरे पास एम्प्लाई था दोस्त भी है, तो मैंने उनको कहा इसके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर दें गाड़ी, और बाद में जब आपका एमरेट शाइनिंग आ जाएगा तो हम आपको अगेन आप ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। और एक म्यूचुअल कंसर्न से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उनके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई और अब ये है कि वो गाड़ी लेके घर चले गए। हाँ जी, अब सीन ऐसा है कि जो व्लॉग बनाने का फर्स्ट ये था कि गाड़ी आपने कैसे ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ पर यूएई के अंदर जो है जब भी कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करता है तो पहली चीज़ जो है, आप जब गाड़ी किसी से परचेस कर रहे हैं तो आपका एमरेट आईडी होना ज़रूरी है। फर्स्ट एमरेट आईडी होगा तो आप गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गाड़ी खरीद तो सकते हैं लेकिन अपने नाम ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास एमरेट आईडी होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के फाइन या किसी और गाड़ी के फाइन आपके नाम पर हैं तो फाइन क्लियर होना ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे, और जिससे आप जो गाड़ी परचेस कर रहे हैं अगर वो मॉर्गेजेज है या लोन फाइनेंस हुई हुई है बैंक फाइनेंस है तो वो आपको क्लियर होना उस गाड़ी का ज़रूरी है। और नंबर फोर पे जो है आपकी इंश्योरेंस गाड़ी की होना ज़रूरी है तो गाड़ी इजीली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, अगर आपकी एमरेट्स आईडी नहीं है और आपके पास गाड़ी आपने परचेज की हुई, गाड़ी आपके पास है ऑलरेडी और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप वापस अपनी कंट्री से आ गए और विजिट वीज़े पर हैं और आप अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो वो आप इजीली अपनी गाड़ी बेच सकते हैं। बट गाड़ी खरीदते वक्त
और गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कराते वक्त ये चार चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एमरेट्स आईडी होना ज़रूरी है, आपके फाइन क्लियर होना ज़रूरी है, आपकी जिससे गाड़ी ले रहे हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है, बैंक फाइनेंस ना हो, और नंबर फोर पे गाड़ी की इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आएगी, जो लोग यूएई में नहीं रहते और जो यूएई में आना चाहते हैं और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। जी, तो ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने जिनके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद अपने नाम पे अगर गाड़ी ट्रांसफ़र करा रहे हैं, अपने नाम पे गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके काम ज़रूर आएगी। और जो यूएई में नहीं रहते, यूएई से बाहर हैं, और जब वो यूएई आके इंशाल्लाह इन फ्यूचर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये चीज़ें उनके जहन में ज़रूर रहेंगी। आखिर मैं यही कहूँगा, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि मैं किस तरीके की व्लॉग करूँ, क्योंकि एक्चुअल जो मेरे चैनल है वो व्लॉगिंग चैनल एक्चुअल जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है वो ट्रैवलिंग का है और इन्फॉर्मेटिक चैनल है, बट कुछ जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो मैं सिर्फ अभी इन्फॉर्मेटिक और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ की व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको मैं डिफरेंट जगह की, डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट सिटीज़ की व्लॉगिंग करते हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच अगेन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय।